नमस्कार, एसटीवी न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। लोक आस्था का महापर्व आज से हुआ शुरू। नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में घाट निर्माण के बाद पहली बार वर्ती करेंगे छठ पूजा। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लूट की योजना बना रहे अपराधी को हथियार एवं कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। लोक आस्था का महापर्व नहाय खाय के साथ हुआ शुरू। मोतिहारी के बाजारों में छठ सामग्री खरीदने को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं लोग। लोक आस्था का महापर्व शुरू होने के साथ ही सामाजिक संगठनों के लोग हुए सक्रिय। छठवर्तियों के लिए किया छठ सामग्री का वितरण। छठवर्तियों में काफी खुशी का है माहौल। पकड़ीदयाल डीएसपी का हुआ विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित। मौके पर उपस्थित रहे कई गणमान्य लोग। छठ पर्व की खरीदारी कर घर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत। दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। छठ पूजा से पहले एचपी गैस एजेंसी के मालिक को अपराधियों ने मारी गोली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच घटना के छानबीन में जुटी। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 50,000 इनामी अपराधी सुधीर सिंह को किया गिरफ्तार। पति की दूसरी शादी रुकवाने महाराष्ट्र से मोतिहारी पहुंची एक महिला। बोली शादी और बच्चे पैदा कर पति कर रहा है दूसरी शादी। छठवर्तियों के बीच रोटरी मोतिहारी लेक टाउन ने किया छठ पूजा सामग्री का वितरण। सामग्री पाकर लोगों के खिल उठे चेहरे। शिवहर जिले के पिपराही थाना क्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पिकअप पर लदे नेपाली शराब के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। लोक आस्था का महापर्व आज से शुरू हो गया है। इसको लेकर नए नए घाटों का निर्माण कराया गया है। इसी को लेकर नगर निगम के वार्ड नंबर 4 में समाजसेवी अंकित गुप्ता एवं वार्ड पार्षद मीना देवी के संयुक्त प्रयास से लक्ष्मण घाट का निर्माण कराया गया, जिसको लेकर खूब तैयारियां भी की जा रही है। वहीं नगर निगम की मेयर प्रीति गुप्ता लगातार सभी छठ घाटों का निरीक्षण कर वहां की विधि व्यवस्था को सुदृढ़ कर रही है। इसी कड़ी में आज मेयर और मोतिहारी नगर निगम के वार्ड नंबर 4 के पार्षद मीना देवी के द्वारा छठ घाट का निरीक्षण किया गया। हालांकि इसके पहले इस वार्ड के छठवर्ती जानपुल छठ घाट पर पूजा करते थे और अब नए छठ घाट के निर्माण हो जाने के बाद छठवर्तियों में भी काफी खुशी का माहौल है। इस मौके पर मोतिहारी के उपमेयर डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद ने भी छठ घाटों का निरीक्षण किया और कहा कि इस बार भारत सरकार और मोतिहारी नगर निगम छठवर्तियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। भारत सरकार और बिहार सरकार ने महापर्व छठ के लिए बहुत विशेष व्यवस्था की है और उसी कड़ी में हमारे नगर निगम में भी छठ का विशेष महत्व देखते हुए यूँ कहिए कि हम लोगों ने खजाना खोला है कि महापर्व छठ में किसी छठ व्रती को दिक्कत नहीं हो, सब लोग का छठ बढ़िया से बीते और हर घाट तक जाने में कोई रास्ते में कोई मोटरेबुल नहीं हो तो उसको मोटरेबुल करवा रहे हैं। फिर अच्छा से लाइट लग जाए, बढ़िया से छठ हो, ये हम सब लोग का ध्येय है। जहाँ जहाँ भी छठ करने में समस्या हो रही है, जैसे कहीं कहीं पानी गंदा है, पोखर गंदा है, तो वहाँ लोग एक टेम्प्रोरी छठ घाट का निर्माण करके बढ़िया से पानी की व्यवस्था करके बढ़िया से लोग पूजा कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी पहल है। सब लोग साफ पानी में साफ वातावरण में छठ करेंगे। छठ की महिमा भी यही है। इसको जीर्णोद्धार के लिए आगे नगर निगम की तरफ से क्या? अब देखते हैं, अभी तो इस बार छठ बढ़िया से हो, फिर भविष्य में हम लोग और योजना बनाएंगे। ये हमारे लाल बाबू चाचा जी का देन है, ये आशीर्वाद है जो कि नया छठ घाट का निर्माण हुआ है। इन्हीं का सहयोग से अभी वार्ड नंबर 4 में जो भी पहले पूर्व में जो छठ था, जर्जर स्थिति से और गंदगी से भरा हुआ छठ घाट था, तो चाचा जी से सुझाव लेने के बाद यह वार्ड नंबर 4 में जो कि पार्षद मीना देवी हैं, पुत्र मैं अंकित गुप्ता हूँ, कि आज न्यू छठ घाट का निर्माण हुआ है। अब वही कहेंगे अगल बगल का जो भी मेरे वार्ड का लोग है, यहाँ पे आए और अच्छा से छठ घाट बन चुका है और बन रहा है,
और आशीर्वाद ले छठी मैया का। जय छठी मैया। मैं बीरेंद्र राम, नया टोला बंजरिया, वार्ड नंबर 4, बिहार प्रदेश कार्य समिति बीजेपी। मेन बात यह है कि ये हमारे वार्ड नंबर 4 के जितने भी निवासी हैं लोग, समाज है लोग, ये सारे जो है सो जानपुल चौक पे जाते थे लोग घाट पे, और वो घाट जो है सो घाट के लायक अभी नहीं रहा, क्योंकि वो नरक हो गया है। उसमें जान पुल पर के जितना भी निवासी हैं लोग, अगल बगल में जितना भी घर है, सब नाला का पानी और टंकी का पानी उसमें यूज करता है, गिराता है लोग। पंच मंदिर का जो ज़मीन है, ये श्री राम जानकी के नाम पर जो है सो ये ज़मीन है, और यही ज़मीन में एक तो हम लोग जगह मैंने देखने को मिला है, तो हम लोग सोचे हैं कि यहीं पे थोड़ा तालाब की तरह खुलवा दें और खुलवा करके वहाँ पे हम लोग अपना पूजा पाठ करें। और हमारे यहाँ का समाज जो है वो सब अपना चंदा बिटोर करके एकत्रित करके मेरे वार्ड पार्षद अंकित गुप्ता जो हैं उनको दिया गया है, और उनको जो है सो मेन में रखा गया है, और साथ साथ जो है सो हम लोग इस घाट का निर्माण करवा रहे हैं। मोतिहारी पुलिस को फिर से एक बार सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पिपरा थाना क्षेत्र के चौप चौक से सीताकुंड की तरफ जाने वाली सड़क पुल के पास से हथियार से लैस कुछ अपराधी राहगीरों से लूटपाट की योजना बना रहे थे। प्राप्त सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अवैध देशी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। इस संदर्भ में पिपरा थाना में कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सीताकुंड के तरफ रास्ता चौप चौक से जाती है, अपराध करने की योजना बनाते हुए घूम रहे हैं। छापेमारी के दौरान राहुल सहनी को एक देसी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया, और बाकी कुछ लोग पुलिस को देखते ही वहां से फिरार हो गए। वही बरामद सामान में एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, ये राहुल सहनी का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है। लोक आस्था का महापर्व नहाए खाए के साथ आज से शुरू हो गया है। पूर्वी चंपारण जिले के साथ साथ बिहार के सभी जिलों के लोग अब छठ पूजा की तैयारियों में लग गए हैं। आज नहाए खाए मनाया जा रहा है और कल खरना मनाया जाएगा। इसके बाद 7 अक्टूबर को छठवर्ती सूर्य भगवान को पहले अर्घ देंगी। मोतिहारी में इसको लेकर बाजारों में खूब भीड़भाड़ लग रही है। वहीं छठ पर्व के सामानों की बेतहाशा कीमतें भी बढ़ गई हैं। बाजार छठ महापर्व के सामग्री को लेकर सज धज कर तैयार है। लोग दूर दूर से आकर मोतिहारी के बाजार से छठ पर्व सामग्री की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गांव में महिलाएं खरना की प्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे बना रही हैं। वहीं मोतिहारी मंडी के हरि यादव ने बताया कि इस बार पूरी मंडी में लाखों के छठ सामग्री की बिक्री हो रहा है। लोग दूर दूर से आकर मंडी से खरीदारी कर रहे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ जो है आज नहाए खाए के साथ जो है शुरू हो गया है। ये 4 दिवसीय जो महापर्व होता है उसकी शुरुआत हो गई है, और बाजारों में आप देख सकते हैं अब रौनक हो गया है। लोग जो है जो तमाम जो छठ व्रत के लिए जो सामग्री होती है, फल से लेकर और तमाम जो गागल, सुथरी, बोरी, नींबू, तमाम जो अब बाजार सज घर कर तैयार हो गया है। लोग खरीदारी में जुट गए हैं और तमाम जो लोग हैं अब छठ के लिए अब तैयार हो गए हैं। आज नहा खाए है और कल खरना होगा, उसके बाद जो है सायकाल का अर्ध होगा, उसके बाद उषा काल का अर्ध होगा। इसको लेकर जो बाजार है अब सज धज कर तैयार है। का भाव बिच रहा है सुथनी? 40 के 250। रुई? 40 के 250। मूली 30। आदि 120। जो है अब सभी का जो रेट भी बता रहे थे कि जो छठ व्रती छठ व्रत में जो सामग्री यूज होता है उसका दाम भी बता रहे थे। छठ के चूल्हा कहाँ से माटी लिया उन लोगों? गुना चीज़ है। ओ छठ को यह बात बुध के दिन मंगर का नहा खाइल। हाँ ठीक। आए मोतिहारी जिला में सतौनी मंडी में आदि हम लोग बेचे हैं 20 से 25 हज़ार रुपये कुंटल। लगभग हम लोग 3 लाख 4 लाख के आदि हर साल बेचते हैं। ऐसो भाव बढ़िया से रेट है, हम लोग किसान खुश हैं। आदि आपको बिक रहा है 60 रुपये के जी, और ये आपको बिक रहा है 30-40 रुपये के जी। सुथनी बिक रहा है 40 रुपये के जी। बोड़ी बिक रहा है 70 रुपये के जी से 80 रुपये के जी।
और मूली बिक रहा है 10 से 15 रुपए केजी, केला बिक रहा है 30 रुपए से 40 रुपए दर्जन, और छठ का सामान पर्व जो है सब सस्ता सुविधा छतौनी सब्जी मंडी मतिहारी में मिलता है। छठ पर्व के शुभ अवसर पर हम लोग आदि मतलब खेत से उपजा कर लाए हैं बेचने, मंडी में आदि का रेट अच्छा है, मतलब 20,000 से 25,000 रुपया क्विंटल बिक रहा है। लोक आस्था के महापर्व को लेकर मोतिहारी के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग छठवर्तियों के लिए छठ सामग्री बांटते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज मोतिहारी लायंस क्लब और समाज सेवी सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने लोक आस्था महापर्व में गरीब असहाय मजदूरों को छठ सामग्री देते नजर आए। इस दौरान दौरा सुपली साड़ी और छठ में उपयोग होने वाले अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया, जिससे गरीब असहाय मजदूर जैसे लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा गया। इस अवसर पर लायंस क्लब के अंगद सिंह ने कहा कि प्रत्येक साल लायंस क्लब के द्वारा छठवर्तियों को साड़ी और सुपली नारियल आदि दिया जाता है, जिससे छठवर्तियों को काफी सहयोग मिलता है। महापर्व छठ के पावन अवसर पर लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के द्वारा आज छठ व्रतियों के बीच में यह सामग्री वितरण पूजन सामग्री का वितरण किया गया है छतौनी चौक पे, और इसमें लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के सदस्य विशाल जायसवाल जी का अहम योगदान रहा। साथ में लायंस जितने भी मोतिहारी में सक्रिय लायंस सदस्य हैं वो सभी इसमें भाग लिए, सभी लोग अपना समय दिए, योगदान दिए, यही है, और सबको वो छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। इससे पहले तो सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामना। लायंस क्लब ऑफ मोतिहारी के द्वारा जो छठ व्रतियों के बीच छठ के लिए साड़ी सूप और पूजा की सामग्री वितरण की गई है, इसके लिए लायंस क्लब मोतिहारी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ साथ इसका ख्याल रखा गया है कि सभी छठ व्रतियों को इसको उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए कूपन एक दिन पहले और सुबह में कूपन लोग को दिया गया, जिससे मिसयूज नहीं हो, चूँकि संख्या तो हज़ारों की है, लेकिन उसमें कूपन बांट करके और सभी ज़रूरतमंद को उपलब्ध कराया गया। छठ व्रतियों के बीच में जो महिलाएँ छठ करती हैं उनको हम लोगों ने साड़ी नारियल और सूप देने का काम किया। इसमें हमारे लायंस क्लब के मेंबर विशाल जायसवाल जी ने सहयोग किया और उन्हीं के सहयोग से लायंस क्लब मोतिहारी द्वारा इन 100 से ज़्यादा छठ व्रतियों को हमने ये साड़ी सूप और नारियल दिया। साड़ी नारियल और डगरा दिया गया है और सबसे इसका बहुत बहुत मुबारकबाद। एक और जानकारी मैं दे रहा हूँ, इसी महीना के 23 तारीख को नतिका आई केयर में लायंस क्लब के तरफ से मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन होगा। आप लोग आधार कार्ड का फोटो फोटो लेकर आइए ताकि सबका ऑपरेशन फ्री में हो। साड़ी सुपली और नारियल का वितरण किया गया लायंस के मेंबर हमारे विशाल जायसवाल जी के द्वारा, ये कैंप लगाया गया जी। उद्देश्य है गरीबों के बीच में बांटना छठ पूजा के अवसर पे, हम लोग हर साल के भांति इस साल भी बांट रहे हैं। वहीं समाज सेवी सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हर साल की भांति इस साल भी छठवर्तियों को साड़ी और नारियल दिया गया है, जिसको लेकर छठवर्ती भी खूब आशीर्वाद देती हैं। हर साल की भांति इस साल भी साड़ी नारियल गरीबों के बीच वितरित कर रहे हैं। छठ क्या है? इसी तरह करते हैं, हर साल करते हैं, आस्था है। कितना साड़ी का वितरण किया है? 500 साड़ी नारियल प्रत्येक साल करते हैं। सुधीर कुमार श्रीवास्तव। मधुबन प्रखंड परिसर स्थित आईटी भवन के सभागार में मंगलवार को प्रखंड प्रमुख महेश पासवान की अध्यक्षता में डीएसपी सुबोध कुमार का विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने शॉल फूल माला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं बुद्ध भगवान का फोटो एवं पुस्तक गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। वहीं स्थानांतरित डीएसपी सुबोध कुमार ने कहा कि पुलिस का काम काफी चुनौतीपूर्ण होता है, पुलिस अपराध मुक्त समाज बनाने के लिए कार्य करती है। सरकार ने नई जगह पर नई जिम्मेदारी के लिए हमारी पदस्थापना की, सरकार के भरोसे पर खरा उतरना और अपराध मुक्त समाज बनाकर कानून का राज कायम करना हमारी पहली प्राथमिकता होती है। इस मौके पर एसडीओ अविनाश कुमार, सीओ रागनी कुमारी, बीडीओ रजनीश कुमार, इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह और थाना अध्यक्ष संजीव मवार सहित सभी स्थानीय जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के कृष्ण नगर चौक के पास टेम्पू और बाइक की आमने सामने की भिड़ंत में मंगलवार को छठ पर्व की खरीदारी कर घर लौट रहे युवक की एक हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बाइक पर बैठा उसका दूसरा साथी भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया गया है कि मृतक युवक 12 मंगरू गांव वार्ड नंबर 12 निवासी जयप्रकाश ठाकुर का 19 वर्षीय पुत्र संदीप कुमार,
जबकि जख्मी युवक की पहचान उसी गांव के उमेश ठाकुर के 18 वर्षीय पुत्र मुन्ना कुमार है। बाजार में आवश्यक सामान की खरीदारी करके घर लौटने के दौरान विपरीत दिशा से आ रही टेम्पो से उसकी भिड़ंत हो गई। घटना के बाद चालक टेम्पो लेकर भागने में सफल रहा। इस दौरान राहगीर दोनों युवकों को लेकर मधुबन पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मोतिहारी भेज दिया है। छठ पूजा से पहले चिरैया थाना क्षेत्र के 12 जयराम गांव के एचपी गैस एजेंसी के मालिक को अपराधियों ने गोली मार दिया। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस मामले को लेकर बताया कि एसडीपीओ के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इसको लेकर पूरे मामले की जांच की जा रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी भी की जा रही है। मोतिहारी पुलिस द्वारा फरार चल रहे 220 आरोपियों पर इनाम घोषित किए जाने के बाद इसका असर साफ तौर से दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज गुप्त सूचना के आधार पर स्थानीय थाना एवं एसटीएफ के संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए हत्या एवं रंगदारी कांड में वंचित 50,000 का इनामी कुख्यात अपराधी सुधीर सिंह को फेनहारा थाना क्षेत्र के गोविंद बारा गांव से गिरफ्तार किया गया। इस पूरे प्रकरण में क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, सुनिए। पुलिस और एसटीएफ एसओजी 8 की संयुक्त कार्रवाई में 50,000 का कुख्यात इनामी अपराधी सुधीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और कुख्यात इनामी अपराधी सुधीर सिंह पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहा था और यह 2014 में हुए हत्याकांड में वांछित था। और इसके अलावा इसका काफ़ी लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है। इस पर दर्जनों केस हैं, रंगदारी के, हत्या के, लूट के और धोखाधड़ी कांडों के। और इसको गिरफ्तार कर जो है माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। प्यार, शादी, बच्चे और धोखा सब समाज के कई चेहरे हैं, लेकिन उनमें से यह भी एक चेहरा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से मोतिहारी आई एक महिला जिसका नाम सरिता रामकिशोर सिंह है, वही महिला का कहना है कि जिले के बंजरिया स्थित फुलवार निवासी रामकिशोर सिंह नामक एक युवक ने उसे महाराष्ट्र में शादी की, जिससे उसको 5 साल का एक बच्चा भी है। लेकिन शादी के बाद उसका पति उसे छोड़कर बिहार अपने घर लौट गया और यहाँ दूसरी शादी कर रहा है। महिला का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। सरिता रामकिशोर कुमार सिंह। कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र से चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। क्या मामला क्या है, क्यों आई हैं? मेरे हस्बैंड बिहार के हैं, उन्होंने मुझसे शादी किया और मेरा 5 साल का बच्चा है और वो यहाँ पे फुलवार गांव में रहते हैं, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट बंजरिया थाना फुलवार के हैं। वो दूसरी शादी करने वाले हैं इधर, इसलिए मैं बच्चे को लेके यहाँ पर आई हूँ। शादी महाराष्ट्र में ही किए हैं उन्होंने। मैं पढ़ाई कर रही थी यहाँ पे चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में और वो बिहार से वहाँ पे जॉब करने आए थे। धारीवाल कंपनी ताड़ाली जो है वहाँ पे वो जॉब करते हैं पावर प्लांट में। तो उसी से मेरे फ्रेंड के फ्रेंड थे वो, उसी से वो मुझसे बात करने लगे तो उनकी फ्रेंडशिप मेरे से हो गई, उसी से लव हो गया। फिर लव होकर उन्होंने मुझसे शादी के वादे कस्मे खा के शादी किया, बच्चा हो गया है। अभी मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है और 2 साल से 2.5 साल से मैं अभी वो मुझे मेरे घर से निकाल दिए हैं और वहाँ पे मैं अभी बिहार में मेरे बच्चे को लेके आई हूँ तो वो लोग मुझे वहाँ पे भी नहीं रहने दे रहे हैं। इसी बीच खबर है कि पति की दूसरी शादी की खबर सुनकर वह उसके घर स्थानीय पुलिस के साथ पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में महाराष्ट्र के कोर्ट में केस भी चल रहा है। लेकिन लड़के की दूसरी शादी की खबर सुनकर महिला उसकी शादी रुकवाने उसके घर पहुंच गई। काफी देर तक लड़के के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। महिला और लड़के के बीच महाराष्ट्र कोर्ट में केस चलने की जानकारी मिलने के बाद इस मामले में स्थानीय पुलिस कुछ भी करने से परहेज करती हुई दिख रही है। वहीं आगे इस मामले में क्या होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन यह खबर फिलहाल पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा की आज नहाय खाय के साथ शुरुआत हो गई है और बिहार समेत पूरा देश बल्कि विश्व के अनेकों देशों में भी इसको लेकर बड़ी ही पवित्रता, आस्था, श्रद्धा भाव के साथ इसे मनाए जाने की परंपरा है। इस महापर्व की विशेषता है कि इसमें उगते सूरज के पहले और डूबते सूरज पर भी भगवान की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं मोतिहारी शहर के बाजारों में लोक आस्था के महापर्व को लेकर खूब भीड़ भाड़ लग रहा है, जिसको लेकर पर्व से संबंधित सामानों की बेतहाशा कीमतें बढ़ गई हैं। इसको देखते हुए मोतिहारी के बनकट स्थित एफसीआई गोदाम के मजदूरों को महापर्व को बेहतर तरीके से मनाए जाने को ध्यान में रखते हुए रोटरी लेक टाउन मोतिहारी के बैनर तले राकेश गुप्ता समेत क्लब के अन्य सदस्यों द्वारा करीब 300 से ज्यादा छठवर्तियों के बीच छठ पूजा सामग्री, साड़ी, दौरा,
फूल मिठाई आदि का वितरण किया गया, जिससे सभी छठवर्तीय परिवारों में काफी खुशी देखा गया। वहीं रोटरी बिहार लेक टाउन के अध्यक्ष रोहित गुप्ता ने कहा कि प्रत्येक साल में हम लोग छठ पूजा सामग्री बांटते हैं और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर सचिव प्रियंका सरकार सहित क्लब के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। आज हम लोग रोटरी मोतिहारी लेक टाउन के बैनर के तहत यहाँ पे छठ पूजन सामग्री का वितरण आसपास के घरों और गांव से जो लोग आए, यहाँ के जो कर्मचारी हैं, इन लोग के बीच में वितरित किए हैं। ये हमारा क्लब का हर साल का प्रोजेक्ट होता है और हर साल हम लोग ये करते हैं। क्या क्या दिए हैं आप पूजा? इसमें पूजन सामग्री में हमारा दौरा, सुपली, कागर, साड़ी, चावल, मटर, जो भी होता है ये पूरा एक किट बना के हम लोग वितरित करते हैं। कितने लोगों को आपके पास दिया गया? अभी करीब 300 लोग के करीब। इन सारी चीज़ों का वितरण प्रत्येक व्यक्ति को, जितने पुरुष और महिलाएं यहाँ काम करती हैं, उन सबों के बीच बांटा जाता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है, चूँकि इस परिसर में जो लोग काम कर रहे हैं, तो जब अपने लिए खरीदारी इंसान करता है तो यहाँ काम करने वाले सारे कर्मचारियों के लिए भी एक छोटा सा सहयोग इसी बहाने छठ व्रत के नाम पे हो जाता है। सुपली, चावल, नीमो, आदि, दौरा, कपड़ा। केकरा द्वारा मिलल? राजेंद्र गुप्ता के द्वारा। राजेंद्र जी के? हमारा नाम राजेंद्र। आज पूजा सामग्री मिल, छठ पूजा सामग्री खुश बनी नु जी? खुश मिलल। चावल, मटर, नारियल, नींबू, दौरा, सुपली। केकरा द्वारा मिलल? के दिलख? शिवहर जिले के पिपराही थाना इलाके में सुबह में टाइगर मोबाइल एवं स्थानीय थाने के संयुक्त कार्रवाई में जिवली घाट पर पिकअप पर लदे 489 बोतल नेपाली रिलैक्स शराब बरामद किया गया है। वाहन चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की गई, जिसमें 300 ml की 489 बोतल शराब की बरामद की गई है और इसके साथ पिकअप को भी जब्त कर लिया गया है। वहीं SDPO सुशील कुमार ने इस पूरे मामले में बताया कि लगातार सभी क्षेत्रों में गश्ती एवं वाहन चेकिंग चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सुबह सुबह 3 शराब कारोबारियों के साथ एक पिकअप और उस पर लदे शराब को जब्त किया गया। तीनों कारोबारी शराब लेकर चंपारण के बॉर्डर जिवली इलाके के रास्ते से शिवहर जिले के सीमा में प्रवेश कर रहे थे। इसी क्रम में शराब कारोबारी रामजी शाह, हिमांशु कुमार और मुकेश कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं आज से एक दिन पहले अंबाकोठी पुल के पास से भी शराब की एक बड़ी खेप बरामद की गई थी और आज दूसरे दिन भी पिकअप पर रखे शराब को जब्त किया गया। वहीं मौके पर थानाध्यक्ष संजय स्वरूप एवं SI संजीव कुमार आदि भी मौजूद थे। टाइगर मोबाइल हमारा गश्ती कर रहा था और थाने की भी गश्ती कर रही थी पिपराही थाना अंतर्गत, तो हम लोग सुबह इनको लगभग 7:30 बजे एक जिहुली घाट जगह है वहाँ पे अचानक औचक जांच के क्रम में एक पिकअप को इन्होंने पकड़ा है और उसमें 489 बोतल नेपाली शराब बरामद हुआ, जिसकी मात्रा 146.7 लीटर है। इसमें हम लोगों ने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का भी पता लगाया है और फिलहाल हम लोग पिपराही थाना अंतर्गत 161/24 कांड संख्या अंकित कर अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। फिलहाल अभी 3 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जिसका नाम है, एक का नाम है मुकेश, दूसरा का नाम है हिमांशु और तीसरा का नाम है रामजी। इस वक्त की एक बड़ी खबर रक्सौल अनुमंडल से आ रही है, जहां रामगढ़वा से छठ पर्व को लेकर बाजार करके घर लौट रहे एक मोटरसाइकिल और कार की भिड़ंत होने की वजह से तकरीबन 6 से 7 लोगों का स्पॉट डेथ हो गया है। बताया गया है कि रामगढ़वा से छठ का बाजार कर अपने घर लौट रहे थे, इसी दौरान रामगढ़वा रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर एक मोटरसाइकिल तथा कार के आमने सामने की भिड़ंत होने की वजह से 6 से 7 आदमियों का स्पॉट डेथ होने की खबर मिली है।